सो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम कोड्स और टाइम स्टैम्प्स कैसे डालने हैं। तो काफ़ी इजी है, ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, आपको अपने स्टूडियो में जाना है, ठीक है। अब आप अपने स्टूडियो में जा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और फिर आपको जाना है अपने योर चैनल पे, ठीक है, कस्टमाइज चैनल, ठीक है। उसके बाद फिर वो खुल जाएगा, तो अब आपको कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाने के बाद जैसे अब टाइम स्टैम्प्स आपको पुट करने हैं ना, तो क्लिक ऑन इट, ठीक है, वीडियो पे क्लिक करें। उसके बाद फिर ये टाइमलाइन होती है, इस टाइमलाइन पे आपको ये डालना है, ये टाइम स्टैम्प्स होते हैं, आपको ये डालना है, ठीक है। जैसे मैंने ये डाल रखा है, ये मैंने इसमें पहले से डाल रखा है, आप भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। ईजीली ये पुट करना है टाइम स्टैम्प, ये 0200 करके इंट्रो जो मैंने डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो वो आपका इनिशियली स्टार्ट नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो आप ये हमेशा ही कॉपी कर सकते हो, आप ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आप हमेशा ऐसे ही रहने देना, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे भी आपके पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहो, जैसे कि मतलब 0 to 10 में आप कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 to 10 में आप बता रहे हो जैसे इंट्रो है हो गया आपका, ठीक है। 1 to 10 से आप स्टार्ट कर रहे हो कि मतलब आप बता रहे हो कि जो भी टॉपिक होगा आपका वीडियो का, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप ऐसे करके टाइम स्टैम्प्स बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। बस इसी फॉर्मेट में आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हिट सेव कर देना। अभी तो नहीं आ रहा, तो जैसे चलो मैंने अभी के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आप हिट सेव करना, ठीक है, और ये सेव हो जाएगा और डन है। उसके बाद फिर आप अपना वीडियो खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अपना वीडियो आप खोल के देखें कि उसमें टाइम स्टैम्प्स आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब जैसे इस वाली वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाले हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखो टाइम स्टैम्प्स आ रहे हैं, इंट्रो रशिया का पार्ट है, ये टर्की, ये अल्बेनिया, ठीक है, ये आइसलैंड, और ये कंट्रीज जो भी मैंने बनाई थी ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे किक, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत इजी है ये, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको टाइम स्टैम्प दिखाया है, बस आप कॉपी करें और काम डन है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं ना अगली वीडियो में, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या और ट्रिक्स और जो भी मैं लर्न करता हूँ, मतलब यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से, आई ट्राई टू शेयर इट, तो आप ही का बेनिफिट होता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा, जो भी मतलब लर्निंग का कंटेंट मेन देता रहूँगा, और ट्रैवलिंग का कंटेंट इस चैनल पर हमेशा आएगा जब भी मैं ट्रैवल करने जाऊँगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और वो इम्पोर्टेंट है।